हाँ जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। BSTC 8 अक्टूबर 2022 यानी आज पेपर हुआ है, आंसर की है उसकी, पेपर सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। BSTC का एक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा उसको जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे BSTC का जो शिक्षण अभिरुचि वाला जो पेपर है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, अधिगम क्षमता प्रभावित नहीं है। अधिगम क्षमता प्रभावित नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर है आनुवंशिकता। गृह कार्य देने का लाभ है, गृह कार्य देने से क्या लाभ है दोस्तों, स्व अध्ययन और आदत बनती है, स्व अध्ययन की सेल्फ स्टडी की आदत बनती है। शिक्षा में अवरोधन, किसी बालक का एक वर्ष से अधिक एक ही क्लास में रहना, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला है दोस्तों, मूल्यांकन मापने की विधि गुणात्मक प्लस प्रमाणवाचक। सीखना विकास की प्रक्रिया है, वुडवर्ड, ये ऐसा करके कुछ आंसर था। सीखने का मुख्य तत्व कौन सा है तो इसका है करेक्ट आंसर इनमें से सभी। अगला है प्रभावी संप्रेषण संभव, इसका करेक्ट आंसर है विस्तृत ज्ञान। दोस्तों ये वही प्रश्न है जो स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए हैं, जो स्मृति आधारित प्रश्न है वो यहाँ पे स्टूडेंट जो पेपर देके आए उनके द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है, वो आपको मैं करवाने वाला हूँ। संप्रेषण का कौन सा प्रकार तीव्र है, सांकेतिक, नेतृत्व गुणों का विकास बालकों में, व्यक्तित्व का विकास करता है। शिक्षक विद्यार्थी में कौन सा गुण देखता है, जिज्ञासा, उसे सीखने की इच्छा है नहीं है, जिज्ञासा। पाठचर्या है बाल केंद्रित। अगला है विद्यालयों में पुस्तकालयों की स्थापना, इस प्रश्न का जो आंसर है वो है इनमें से सभी, इनमें से सभी, ये इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों। शिक्षण कौशल इनमें से सभी, ये ऑप्शन है, सीधा सीधा जो आंसर था वो यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों, जो आंसर है इसका करेक्ट आंसर वो ऑप्शन के अंदर वो आपको मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन अलग अलग दिए गए थे, बाकी जो फाइनल आंसर है इसका इनमें से सभी, ये सभी ये वाला आंसर है। सतत व्यापक मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रणाली, विद्यार्थियों में औपचारिक एवं कार्यालय अभिलेख, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो ये वो ये सतत व्यापक मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रणाली जो है उसका आंसर ये, नीचे आंसर लिखा है विद्यार्थियों के औपचारिक एवं कार्यालय अभिलेख। भाषा सीखने का प्रभावी माध्यम है, भाषा सीखने का प्रभावी माध्यम है बातचीत, आपस में बातचीत होती है, वो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास, नैतिक मूल्यों पर व्याख्या देकर होता है, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य का विकास जो होता है नैतिक मूल्यों पर व्याख्या देकर होता है। सृजनात्मक सबसे उपयुक्त है, नवीनता, ये प्रश्न तो यहाँ पे लिख के भेजे गए हैं कि आपको मैं बता देता हूँ। एक अध्यापक को अपनी कक्षा में विधियों एक सामान्य विधि से नहीं सीख सकते, अच्छा शिक्षक वह है, अच्छा शिक्षक का गुण क्या है, जो वो पढ़ाता है वो विद्यार्थी को समझ जाए, जो वो पढ़ाया विद्यार्थी समझ जाए, ये इसका गुण है अच्छा शिक्षक का है। बालक सीख रहा है, बालक सीख रहा है इसका निर्धारण कैसे करेंगे, उससे प्रश्न उत्तर सुन के, उससे क्या करेंगे दोस्तों, प्रश्न उत्तर सुन के। नेतृत्व गुणों के लिए आवश्यक है सामाजिक परिपक्वता, सामाजिक परिपक्वता। अगला है ICT में अध्यापक की भूमिका, समन्वयक, समन्वयक क्या है दोस्तों, ICT में अध्यापक की भूमिका समन्वयक। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, तो ये इसका प्रश्न का आंसर है इनमें से ये सभी। दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। BSTC रिलेटेड जो भी आपको लेटेस्ट अपडेट होगी, BSTC का पेपर का सॉल्यूशन, उसकी जो कट ऑफ क्या रहेगी, उसके अलावा कॉलेज कितने नंबर पर मिलेंगे, काउंसलिंग, आपको सारी जो लेटेस्ट अपडेट है आपको हमारे चैनल पर मिलेगी दोस्तों, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करिएगा। पार्ट योजना मदद करती है, A+B करके ऑप्शन जो है वो तो दोनों है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करें,
गहन अध्ययन द्वारा, किसके द्वारा? गहन अध्ययन द्वारा। शिक्षण का शतावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित, शैक्षिक प्रौद्योगिक विशेषता नहीं है नीरस, मूल्यांकन की उपयुक्त परिभाषा है इनमें से सभी, विद्यार्थियों में समयात्मक समायोजन इनमें सभी, सृजनात्मकता की तकनीक इनमें से सभी। एक विद्यार्थी गृह कार्य करके नहीं आता है तो उसका क्या करेंगे? कारण जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप शिक्षा में सुधार प्राथमिक करना चाहते हैं तो क्या इस स्तर पर करेंगे? प्राथमिक स्तर। दोस्तों BSTC का जो पेपर है काफ़ी शानदार पेपर आया है दोस्तों, GK का पेपर भी बहुत ही शानदार आया है, शिक्षण भी रुचि का भी बहुत शानदार आया। इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट है रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इनका पेपर भी यहाँ पे बिल्कुल शानदार पेपर आया दोस्तों बिल्कुल। तो कट ऑफ है, जाहिर सी बात है इसकी कट ऑफ है वो यहाँ पे ज़्यादा रहने वाली है दोस्तों, कट ऑफ है। बच्चे यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे नंबर ले आएंगे, तो यहाँ पे आपके कमेंट बॉक्स में एक बार मेरे को बताना कि आपके कितने नंबर आए। वैसे कट ऑफ के ऊपर हम चर्चा करेंगे, कैटेगरी वाइज कट ऑफ है हम आपको बताएंगे कि क्या कट ऑफ रहने वाली है, जनरल की क्या कट ऑफ रहेगी, EWS की क्या रहेगी, SC की क्या रहेगी, ST क्या रहेगी, सभी की कट ऑफ यहाँ पे बताएंगे। कैटेगरी वाइज कितने नंबर पर आपको कॉलेज मिलेगा, फर्स्ट चॉइस कितने नंबर पर मिल जाएगी, ये सारा एनालिस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, BST से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी दोस्तों। BSTC के कॉलेज से लेकर काउंसलिंग वगैरह सारी जानकारी A to Z जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, धन्यवाद। हाँ जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की स्टूडियो में बात करेंगे BSTC के पेपर की आंसर की के बारे में बात करेंगे। दोस्तों BSTC का पेपर आज हो चुका है, BSTC का जो पेपर है उसके बारे में आपसे चर्चा करने वाला, किस प्रकार के प्रश्न आए, किस प्रकार पेपर का लेवल था यहाँ पे, दो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे हुए एक प्रश्न थे यहाँ पे, BSTC के एग्जाम में पूछे गए यहाँ पे प्रश्न आपको मैं बताने वाला हूँ। पहला प्रश्न यहाँ पे है कुचामनी ख्याल। दोस्तों कुचामनी ख्याल का यहाँ पे प्रश्न आया, तो ये इसका करेक्ट आंसर है लच्छीराम। यहाँ पे स्टूडेंट्स के द्वारा जो भेजे हुए प्रश्न थे वही है दोस्तों, पेपर यहाँ पे नहीं दिया जाता है, तो स्टूडेंट्स के द्वारा जो क्वेश्चन भेजे गए हैं वो आपको बताने वाला। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना के बारे में के बारे से संबंधित कुछ क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे है जोधपुर प्रजामंडल जय नारायण व्यास और भंवरलाल सर्राफ करके इसका कुछ इसका आंसर है दोस्तों। अगला है मल्लीनाथ जी का मेला। मल्लीनाथ जी का मेला तो तिलवाड़ा यहाँ पे है, मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा। अगला है नवीन राजस्थान पत्रिका के बारे में पूछा गया है, तो राजस्थान सेवा संघ करके कुछ इसका इस प्रकार से आंसर था, ऐसा प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों। सांझी पूजन, सांझी पूजन किसके द्वारा किया जाता है? कुंवारी कन्याएं के द्वारा। जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं? जंगल की आग। ये प्लास का जो एक पेड़ होता है जंगल की आग इसे कहा जाता है, डाक और प्लास। उस्ता कला से संबंधित यहाँ पे प्रश्न आया, उस्ता कला जो है उस्ता कला जो किससे संबंधित है? यहाँ पे बीकानेर, बीकानेर उसका कला क्या है दोस्तों? बीकानेर। मारवाड़ र परगनादि विगत ऐसे कुछ करके ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है मूणत नैन्सी है। अगला जो प्रश्न है कोटा के संस्थापक माधो सिंह, कोटा के संस्थापक कौन है दोस्तों? माधो सिंह। पाकिस्तान के साथ सीमा कितनी है दोस्तों? 1070। बहुत ही गजब का क्वेश्चन था दोस्तों, पेपर जो है GK का पेपर बहुत ही शानदार आया है। आगे वाले पेपर भी आपको जो कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे करवाया जाएगा सारे सब्जेक्ट के जो भी है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग दोस्तों है कोटा है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। राज्य खेल यहाँ पे है, राज्य खेल कौन सा है दोस्तों? बास्केटबॉल। राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है। अगला है मानवाधिकार आयोग की स्थापना, मानवाधिकार आयोग की स्थापना 2 अक्टूबर 1993 है। खेराड़ी बोली है शाहपुरा बूंदी और टोंक, खेराड़ी बोली शाहपुरा बूंदी और टोंक। सरपंच त्यागपत्र किसके दिए जाता है? वीडियो सरपंच। आई छत्रपुर है जो है नागौर के से रिलेटेड है दोस्तों। कालीबंगा का उत्खननकर्ता कौन है? कालीबंगा के जो खोजकर्ता है वो अमलानंद घोष है, और उत्खननकर्ता जो है BB लाल थापर है। यहाँ पे इसका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है दोस्तों। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम आदिवासियों का कुंभ है। 80 खंभे के बारे में पूछा है, तो प्रतापगढ़ बाड़ोली है। 84 खंभों की जो छतरी है वो यहाँ पे बूंदी के अंदर है दोस्तों।
अगला है पुनावाड़ा, पुनावाड़ा है जो है यहाँ पे डूंगरपुर से है। बालाथल जो है उदयपुर है, उदय सिंह का शासनकाल है। तो यहाँ पे दोस्तों 1468 से 1472, कमेंट बॉक्स में आप बताना कि एक थोड़ा कन्फ्यूजन है दोस्तों, यहाँ पे पता नहीं है दोस्तों। तो उदय सिंह का जो शासन है वो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। और भी कुछ प्रश्न आए तो दोस्तों जीके के अंदर अगर कोई छूट जाते हैं तो आपको मेरे को बताना, मैं जो प्रश्न है वो आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। इनके बाद अगर कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में उनका प्रश्न लिख के उसका आंसर यहाँ पे बता सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ ये बताना है कि आपके कितने प्रश्न यहाँ पे सही हो रहे हैं, कितने मार्क्स आपके यहाँ पे बैठ रहे हैं, यह भी आपको बताना है। कट ऑफ का वीडियो आपको मैं अलग से बताऊंगा कि क्या कट ऑफ रहेगी, कितने कितने नंबर पे यहाँ पे आपको कॉलेज मिलेगा, किस कैटेगरी को आपके इस कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे बता रहा हूँ। जनरल एसटी एबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी सभी की कट ऑफ अलग अलग यहाँ पे बताऊंगा कि कितने नंबर पर आपको कॉलेज मिलेगा। सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। सबसे हल्की धातु है लिथियम, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। आईपीएल के विजेता कौन थे दोस्तों? गुजरात टाइटंस है। बाड़मेर है सांचौर बेसिन। पेट्रोलियम के कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से है दोस्तों। अभिलेखाकार, अभिलेखाकार का है बीकानेर से संबंधित। अजमेर का राजस्थान में विलय कौन सा आता है? सातवा चरण है जो अजमेर का राजस्थान में विलय है। गढ़ पीतली दुर्ग है जो है अजमेर तारागढ़ किससे है दोस्तों? अजमेर तारागढ़, तारागढ़ दुर्ग को है गढ़ पीतली दुर्ग कहा जाता है, अजमेर के अंदर स्थित है दोस्तों। सूचना आयुक्त के 2005 में। बीकानेर प्रजामंडल है, कलकत्ता है, 1956 से रिलेटेड है दोस्तों। कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी बीकानेर प्रजामंडल की। क्रांति के समय छावनियाँ कितनी थी? 1857 की क्रांति के समय जो कितनी यहाँ पे कितनी छावनियाँ थी दोस्तों? 6 छावनियाँ थी। महाशिवरात्रि, फाल्गुनी कृष्ण त्रयोदशी, माही नदी से रिलेटेड प्रश्न आया था दोस्तों। गरासियों का नृत्य है वालर कौन सा है दोस्तों? गरासियों का नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य है। गलीचे यहाँ पे कहाँ के प्रसिद्ध है? गलीचे यहाँ पे जयपुर के हैं। गंग नहर, गंगा सिंह। भौतिक प्रदेश कितने हैं? 4। तत्वाद्य अंतर नहीं है ऐसे कुछ करके आया तो अलगोचा इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। प्रताप का अग्रगामी है चंद्रसेन। कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगा श्री गंगानगर के अंदर है दोस्तों। बिंदुलाल भट्टाचार्य बिजोलिया से। थेवा कला है प्रतापगढ़ से है दोस्तों। छत्र विलास कहाँ है? कोटा। वित्त आयोग है 1951। मुसी महारानी के बारे में संबंधित प्रश्न आया था अलवर। गोगा मेडी है गोगा जी हनुमानगढ़। कटारगढ़ है कुमलगढ़ का लघु दुर्ग है। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोटरी स्थापत्य कला का जनक है कुंभा। तो दोस्तों ये राजस्थान जीके के रिलेटेड जो प्रश्न है बिल्कुल कम समय में आपको मैंने यहाँ पे कंप्लीट जो प्रश्न है वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिए हैं किस प्रकार के यहाँ पे प्रश्न आए थे। लगभग इतने सारे प्रश्न थे जो स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए थे बीएसटीसी के रिलेटेड, जिसमें कुचामनी ख्याल है, जोधपुर प्रजामंडल है, मनीला जी का मेला है, नवीन राजस्थान पत्रिका है, सांझी पूजन है, जंगल की ज्वाला, उस्ता कला, मारवाड़ प्रगना, विघर कोटा के संस्थापक, पाकिस्तान के साथ सीमा, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, राज्य खेल है, मानवाधिकार आयोग की है, खेराड़ी बोली है, सरपंच त्यागपत्र किसको देता है? वीडियो को देता है दोस्तों। अहिर छत्रपुर से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न आया था दोस्तों, तो ये उसका है। कालीबंगा का उत्खनन करता है पूछा गया था कोच करता है तो अमलानंद गौसे। बीबीलाल थापर उत्खनन करता है। आदिवासियों का कुंभ है बेणेश्वर धाम में। 84 खंभों की छतरी यहाँ पे बूंदी में। पुनावाड़ा है डूंगरपुर है। बालाथल है उदय सिंह का शासन 1468 में है। सही, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। ये साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। आईपीएल विजेता गुजरात टाइटंस से। बाड़मेर से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आया था। पेट्रोलियम क्रांति है कौन सी है? कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। अभिलेखागार बीकानेर है। अजमेर का राजस्थान में विलय सातवा चरण है। गढ़पीटली दुर्ग है जो यहाँ पे अजमेर तारागढ़ दुर्ग है। सूचना आयुक्त है बीकानेर प्रजामंडल। क्रांति के समय छावनियाँ कितनी थी? इसके अलावा महाशिवरात्रि, कृष्ण फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, माही नदी, ग्रासियों का नृत्य, गलीचे, गंग नहर, भौतिक प्रदेश, तत्ववाद्य यंत्र, प्रताप का अग्रगामी, कृषि फार्म, बिंदुलाल भट्टाचार्य, थेवा कला, छात्र विलास, वित्त आयोग, मुसी महारानी छत्री, मुसी महारानी के बारे में पूछा गया था, गोगा मेडी है, कटारगढ़ है, कृपाल सिंह शेखावत स्थापत्य कला। तो दोस्तों ये जो है जीके से रिलेटेड प्रश्न आए थे। जीके का पेपर जो है काफ़ी शानदार आया था। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने प्रश्न से यहाँ पे सही हो रहे हैं दोस्तों, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। जल्दी आपको हमारे चैनल पर सारे वीडियो है जो कंप्लीट है, हिंदी हो चाहे वो संस्कृत हो, उसके अलावा रीजनिंग हो और शिक्षण अभिरुचि
इनके सभी के वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, शिक्षण अभिरुचि सारे। इसके अलावा जो क्या कट ऑफ रहेगी, कट ऑफ का जो एनालिसिस है वो भी आपको मैं बताऊंगा, कितने नंबर पे आपको यहाँ पे कॉलेज मिलेगी बीएचटीसी के अंदर, क्या कट ऑफ रहने वाली है, जो फर्स्ट लिस्ट के अंदर फर्स्ट चॉइस आपको कितने नंबर पे मिलेगी, ये आपको मैं कट ऑफ के एनालिसिस ये तैयार करके आपको मैं बता दिया जाएगा। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो है अधिक से अधिक शेयर जरूर करना। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करोगे, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पर जो बीएचटीसी से रिलेटेड है। आपकी काउंसलिंग कब से शुरू होगी, इसका क्या कट ऑफ रहेगी, इसका रिजल्ट कब आएगा, कितने नंबर पे कॉलेज मिलेगा आपको मिलेगा, जो भी आपके डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सारे जो आपको रिलेटेड है बीएसटीसी से लेटेस्ट अपडेट है, आगामी जो बीएसटीसी की परीक्षा होगी उसके बारे में सारी जो जानकारी है आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, कितने नंबर पर आपको कॉलेज मिलेगा, कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो कमेंट बॉक्स में है आप यहाँ पर सारे सवाल पूछ सकते हो कि सर मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कॉलेज से रिलेटेड जो भी जानकारी है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको बीएसटी से रिलेटेड ए टू जेड जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। ए टू जेड जानकारी आपको बीएसटी से लेकर काउंसलिंग से लेकर कॉलेज अपडेट तक के डॉक्यूमेंट सारे वेरिफिकेशन जो भी डिटेल है सारी, कितनी फीस लगती है, क्या है, एक एक जो आपको बारीकी से सब कुछ चीज़ समझाई जाएगी, जो भी है जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और कोई क्वेश्चन रह गया हो तो जीके के अंदर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। तो कैसे हो आप सब, दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएसटीसी पेपर के जो रीजनिंग का जो पेपर हुआ है उसके आंसर की के बारे में बात करेंगे, पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर, रीजनिंग के किस प्रकार के प्रश्न आए थे आप सभी अपने अपने प्रश्नों की जाँच कर लीजिए, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं रीजनिंग में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमने ऑलरेडी कुछ वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। कट ऑफ का वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया है, कट ऑफ का जो एनालिसिस है वो हमने बताया है, कैटेगरी वाइज जो सभी आप वहाँ पर देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बीएसटीसी के अंदर रीजनिंग के किस प्रश्न किस प्रकार आए हैं वो आपको मैं बताता हूँ। स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे हुए प्रश्न हैं, तो यहाँ पर है कथन, कुछ पुस्तकें कार है, कुछ कारें बॉक्स है, निष्कर्ष है, यहाँ पर निष्कर्ष यहाँ पर है कुछ पुस्तकें बॉक्स है, कुछ पुस्तकें बॉक्स है, ऐसा कुछ करके है दोस्तों। ये अब थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हो सकता है, तो यहाँ पे जो है पुस्तकें कार और ये बॉक्स करके ऐसे डायग्राम बनाया, तो इसके अंदर जो है दोनों ही निष्कर्ष जो हैं यहाँ पे बिल्कुल गलत है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपने ये आंसर दिया है तो बिल्कुल आपका सही उत्तर है। अगला है, अगला प्रश्न है, इंडिया को दर्पण में देखने पर कैसा दिखाई देगा, इंडिया को दर्पण में देखने पर किस प्रकार दिखाई देगा, तो इधर इंडिया लिख दिया, इधर हमने यहाँ पे दर्पण दिखा दिया है, तो सबसे पहले ए आया है दोस्तों, उसके बाद आई आया है, डी इस प्रकार है, और एन जिन्होंने एन को जो इस प्रकार एन बनाया है दोस्तों ऐसे करके ऐसे बिल्कुल एन जो इन्होंने इस प्रकार बनाया, अगर सेम टू सेम एन बना दिया है तो आपका बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो इस प्रकार का जिसका जिसने किया है उसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों, आपके पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे इसके अंदर। अगला प्रश्न है, एक परिवार में श्री व श्रीमती शर्मा और उनकी पांच बेटियां हैं, प्रत्येक बेटी के एक भाई है, परिवार में कुल कितने लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, परिवार में कुल कितने लोग हैं ये यहाँ पे पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आठ। तो यहाँ पे देखिए श्री व श्रीमती कितने हो गए, दो, उनकी कितनी है पाँच बेटियाँ, प्रत्येक बेटी के एक भाई है, यानी पाँच बेटियाँ उनकी है तो एक बेटी का एक ही भाई होगा ना, तो पाँचों बेटियों का भी तो एक ही भाई होगा, अलग थोड़ी है, प्रत्येक बेटी के एक भाई है, एक ही भाई है तो पांचवा है, तो टोटल आठ जो है इसके अंदर मेंबर है एक है, तो यहाँ पे आठ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ये आकृति दी गई है त्रिभुज, त्रिभुज के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे 27 इसका आंसर है त्रिभुज। अगला है ए जेड वाई सी ऐसा कुछ करके है, तो ये प्रश्न आया था, इसके अंदर जो है यहाँ पर बिल्कुल एक्स आएगा यहाँ पर। अगला है दो नौ अट्ठाईस एक सौ छब्बीस एक सौ सत्ताईस, तो यहाँ पे दोस्तों क्यूब का से रिलेटेड है, क्यूब में प्लस वन करके जोड़ा है, क्यूब के अंदर प्लस वन करके जोड़ा है, तो
तो यहाँ पे 64 आ रहा है दोस्तों, 64 है इस जगह खालिस्तान पे 64 आएगा, तो 64 नौ के यहाँ पे 65 है। जी हाँ दोस्तों, दो का क्यूब यहाँ पे 8 हो गया, 8 में एक जोड़ा तो 9 हो गया, एक के क्यूब में एक हो गया, एक जोड़ा तो 2 हो गया। उसके बाद 4 के में 64 है, 64 में एक जोड़ा तो 164 में एक जोड़ा तो 65, यहाँ पे 65 जो इसका करेक्ट आंसर है। अगला है CADBGEHFKIJ, तो यहाँ पे OMPN ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है मोतियाबिंद का संबंध आँख से है, मोतियाबिंद का रिलेटेड आँख से, तो निमोनिया का यहाँ पे जो है फेफड़ा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है अपने घर में अपने घर से प्रारंभ कर राधिका 25 मीटर पूर्व में जाती है, उसके बाद 10 मीटर दक्षिण में जाती है, उसके बाद 15 मीटर पश्चिम में और अंत में 10 मीटर उत्तर में जाती है, अब वह घर से किस दिशा में है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पूर्व में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, आप लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए ऐसे ही बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आएंगे। BSTC से रिलेटेड जो भी वीडियो होगी आपको हमारे चैनल पर देखने मिलेगी, BSTC से की A to Z जानकारी आपको हमारे चैनल पर दिखाई जाएगी। बिल्कुल अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी कमेंट पूछना चाहते हो, आप किसी भी रिलेटेड से काउंसलिंग कब होगी, इसका रिजल्ट कब आएगा, सब जानकारी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। दोस्तों किसी कूट भाषा में उसका प्रश्न, तो इसका दोस्तों पूर्व आंसर है, पूर्व इसका आंसर है। अगला है किसी भाषा में डांस को GXQZH लिखते हैं तो राइट को क्या लिखेंगे, तो उसका है UFJEW। मैं सीधे सीधे यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ दोस्तों, सोल इनको नहीं कर रहा, सीधा सीधा यहाँ पे बता रहा हूँ। अगला है 467 का अर्थ लीव्स आर ग्रीन है, 485 का अर्थ ग्रीन इज गॉड है, तो और 639 का अर्थ है दे आर प्लेइंग, तो निम्न में से लीव्स का क्या अर्थ है, का कौन सा कूट होगा, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल 7 इसका करेक्ट आंसर है। अगला है लड़कों की किसी पंक्ति में, ध्यान से सुनिएगा, लड़कों की किसी पंक्ति में सुरेश का स्थान बाएं से 7वां और रोहित का स्थान दाएं से 12वां है, यदि वे दोनों एक दूसरे के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं तो सुरेश का स्थान बाएं से 22वां हो जाता है, पंक्ति में लड़कों की संख्या क्या है, पंक्ति में लड़कों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे दोस्तों 33। पेपर जो है बहुत ही शानदार आया, कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा रहेगी इसकी, BSTC की कट ऑफ हर बार ज़्यादा जाती है दोस्तों। फर्स्ट चॉइस के लिए मैंने कट ऑफ बता दी कि फर्स्ट चॉइस कितने नंबर वालों को मिलेगा, कॉलेज तो यहाँ पे जो रिलेटेड है अगर आपके उनके कट ऑफ जो मैंने बताई उससे भी कम नंबर है, तो आप अगर मन में जो डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपके कितने नंबर हैं, वो यहाँ पे आपको बता दूंगा। जैसे मैंने कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा बताई है, ठीक लेवल की बताई है बहुत, क्योंकि कट ऑफ जो जाहिर है BSTC कट ऑफ जो है यहाँ पे ज़्यादा रहती है दोस्तों, BSTC में कैंडिडेट भी ज़्यादा रहते हैं तो BSTC की कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा रहती है। पेपर का लेवल भी यहाँ पे शानदार आया था, पेपर बहुत ही शानदार था, ज़्यादा हार्ड नहीं था दोस्तों, बहुत ही अच्छा है, जो जिन्होंने अच्छी तैयारी की है उनका सिलेक्शन है, जिनके सभी के आराम से 450 से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे दोस्तों, 450, 430, 380, 400 के आसपास, 420 ऐसे कुछ नंबर आ जाएंगे। बाकी जिनके जो कम नंबर है उनको भी यहाँ पे काउंसलिंग जो है सब कुछ करवाना है, काउंसलिंग के रिलेटेड आपके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी, जो भी होगी तो आप उससे पूछ लेना, कोई भी कमेंट बॉक्स में जो भी आपके मन में डाउट हो कुछ भी हो कोई सी भी वीडियो के अंदर कमेंट कर देना आप, तो आप ये नहीं कि कट ऑफ के अंदर ही करो, आप इस वीडियो में भी कमेंट करके पूछ सकते हो कि आपके कितने परसेंट सही हो रहे हैं, कितने मार्क्स यहाँ पे बैठ रहे हैं, जो भी आपको डाउट है कोई सा भी रिलेटेड आप यहाँ पर पूछ सकते हो मुझसे। मैं आपको हर कोई भी यूट्यूबर है जो आपको यहाँ पर जवाब नहीं देगा दोस्तों, मैं आपको हर प्रश्न का जो है जवाब दूंगा, अगर आपको कमेंट में कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हो मुझसे, कोई सा भी पोस्ट पे आप कमेंट कर देना मेरे को, तो कमेंट मेरे को सब देखता हूँ, मैं सब पढ़ता हूँ, सभी के 1000 कमेंट होंगे तो 1000 दूंगा। PTT के जो एग्ज़ाम था उन पे सभी के स्टूडेंट के मैंने जवाब दिए हैं, अगर आपके मन में जो भी रिलेटेड है आपको डाउट है कुछ भी पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो, मैं आपको सभी के यहाँ पे कमेंट दूँगा, चाहे वो कितने कमेंट आओ सबके कमेंट के रिप्लाई मैं यहाँ पे देता हूँ। प्लस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, किसी भी यूट्यूबर जो है आपको यहाँ पे जवाब नहीं देगा कमेंट बॉक्स में कि आपके इतने नंबर हैं, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, किस प्रकार का कोई भी डाउट हो आप चाहे से उसको 10 बार पूछ लेना तो 10 बार भी बताता हूँ मैं, सारे कमेंट आप उठा के देख लेना पहले की वीडियो पे, PTET का जो कट ऑफ का वीडियो है चाहे काउंसलिंग का है उसमें जो है इतने कमेंट है, सभी का कमेंट के रिप्लाई गए हैं मेरे, हो सकता है किसी का रिप्लाई नहीं गया हो, बाकी अगर वो लेटेस्ट कमेंट कर देते हैं तो उनको ज़रूर देता हूँ, रिप्लाई सभी को दिया मैं। अगला प्रश्न है किसी घड़ी में 8:15 बजे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब में कितने बजेंगे, तो यहाँ पर 3:45 है दोस्तों। अगला है सीमा ने कहा
कि विवेक के दादा मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, सीमा का विवेक से क्या रिश्ता है, सीमा का विवेक से क्या रिश्ता है, दादा दादी ओ सॉरी, तो इसके अंदर जो है दादा दादी नहीं है, सीमा ने कहा कि विवेक के दादा मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, सीमा का विवेक से क्या रिश्ता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सीमा का विवेक से क्या रिश्ता है, दोस्तों यहाँ पे दादी आ जाएगा, दादी करके ऑप्शन में है, या फिर दादी की बहन होगी तो यहाँ पे दादी होगा शायद, दादी इसका बिल्कुल आंसर है। कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना अगर कुछ मिस्टेक हो तो। मीमांसा 9 दिन पहले फिल्म देखने गई थी, वह केवल गुरुवार को फिल्म देखने जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है, तो दोस्तों शनिवार का, शनिवार बिल्कुल। अगला है 40 छात्रों की कक्षा में राम का स्थान आरंभ से 25वां है, तो अंत में उसका स्थान क्या होगा, अंत में उसका स्थान क्या होगा, तो यहाँ पे है दोस्तों 16वां उसका आंसर है। एक्स का भाई आर है, आर की बेटी सी है, एक्स की बहन एम है, सी का भाई जी है, तो जी का चाचा कौन है, जी का चाचा यहाँ पे एक्स है दोस्तों, एक्स यहाँ पे जी का चाचा है। अगला प्रश्न है 1827 के सर्वाधिक समुच्चय कौन से हैं, 64, 125, 216, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सार्थक क्रम में लिखिए परीक्षा पदोन्नति नौकरी साक्षात्कार स्थायीकरण, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, सबसे पहले इंटरव्यू आएगा 4 नंबर, फिर उसके बाद इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद आपकी नौकरी लगेगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपका परीक्षा काल चलेगा, उसके बाद आपका स्थायीकरण होगा, उसके बाद आपकी पदोन्नति होगी दोस्तों। तो पहले 4, 3, 1, 5, 2, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है 2 जुलाई 2022 को शनिवार था, तो 27 जुलाई 2022 को कौन सा वार था, तो यहाँ पे सीधा सीधा बता सकते हैं बुधवार था इसका, ठीक है दोस्तों। एक कक्षा में 19 लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष है, यदि अध्यापक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है, अध्यापक की आयु कितनी है दोस्तों, 41 इसका करेक्ट आंसर है। अगला है ये कॉलम बना के दिया था सारणी, तो इसके अंदर यहाँ पे पूछा गया है कौन सा संख्या आएगी, तो यहाँ पे एक आएगा दोस्तों, एक जिनका है, मैं यहाँ पे सीधे सीधे आंसर बता रहा हूँ आपको। ये प्रश्न थोड़ा पेचीदा है बिल्कुल, ये बहुत ही शानदार नंबर का प्रश्न है, इसका दोस्तों आंसर थोड़ा ऊपर नीचे ऑप्शन लिखे हैं, जैसे अजय भौतिकी अंग्रेजी और रसायन विज्ञान पढ़ाता है, तो ये प्रश्न यहाँ पे थोड़ा बड़ा था, इसका आंसर आप मेरे को जो करेक्ट है आंसर, काफ़ी लंबा प्रश्न, 5 प्रश्न इसके अंदर पूछे गए हैं, तो कौन सा छात्र अधिकतम विषय पढ़ता है, तो यहाँ पे ये पूरा डिटेल में लंबा एक सवाल होगा, तो ये आंसर आप देख लीजिएगा आप किस प्रकार करके आए हैं यहाँ पे, थोड़ा ऑप्शन के चेंज है तो ये कन्फर्म नहीं है, सॉल्यूशन पूरा नहीं बता सकता मैं इसका, क्योंकि ये ऑप्शन जो है आगे पीछे लिखे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न आया है ये आकृति दी है, तो यहाँ पे संख्या पूछी है प्रबंधक स्त्री यहाँ पे 13 है, स्त्री प्रबंधक और गायक यहाँ पे 4 है, ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ गायक हैं, तो यहाँ पे 15 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। किसान का संबंध हल से, लेखक का संबंध किससे होता है, पेन से, ठीक है। BDFHILMOQ, तो यहाँ पे TUX यहाँ पे है, तो दोस्तों ये जो है रीजनिंग का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे बता दिया, रीजनिंग के जो प्रश्न स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए थे बिल्कुल यहाँ पे सभी प्रश्नों के आंसर मैंने बताए, तो रीजनिंग में आप बताइएगा कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कट ऑफ के वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, कट ऑफ को देख लेना, कट ऑफ मैंने जो बताई है फर्स्ट चॉइस जो आपको मिलेगी उस नंबर पर आधार पर बताइए, बाकी अगर कोई भी आपको डाउट है जैसे मैंने जो कट ऑफ बताई आपके उससे कम नंबर भी है ना, तो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि सर मेरे इतने नंबर हैं तो मैं आपको यहाँ पे मेरे को कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे को कितने कॉलेज बढ़ने हैं, क्या क्या करना है मेरे को, किस प्रकार यहाँ पे कॉलेज मिलेगा, कम नंबर वालों को किस प्रकार कॉलेज मिलेगा, ज़्यादा नंबर वालों को किस प्रकार कॉलेज मिलेगा, कोई भी डाउट हो आपके मन में आप पूछ सकते हो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये मैंने रीजनिंग के जो है कंप्लीट मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे बता दिया आपको, रीजनिंग के जो प्रश्न थे वो मैंने करवा दिए हैं, शिक्षण अभिरुचि के करवा दिए हैं, जीके के भी करवा दिए हैं, इसके अलावा हिंदी के प्रश्न है वो भी मैं आपके करवा दिया, वीडियो अपलोड हो चुका है दोस्तों आप देख लेना वीडियो,
सारे अपलोड कर चुका हूँ। कट ऑफ का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। BSTC का जो है पेपर वो हो चुका है दोस्तों बिल्कुल। इसके अलावा कट ऑफ का एनालिसिस आपको मैंने करवा दिया है। जो भी BST से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आएगी A to Z जानकारी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी दोस्तों। A to Z जानकारी आपको देखने को मिलेगी। कोई भी अगर आपके मन में डाउट हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो दोस्तों, शर्म आना नहीं है बिल्कुल। कोई भी बात है कि नहीं मिलेगा जवाब, जवाब सबको मिलेगा। कोई सा भी यूट्यूबर आप देख लेना, कोई सा भी यूट्यूबर है जो जिनके अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, वो यहाँ पर आपको रिप्लाई नहीं देंगे, लेकिन मैं आपको रिप्लाई दूंगा दोस्तों। कितने भी कम सब्सक्राइबर वाला हो तो भी आपको रिप्लाई नहीं देगा, लेकिन मैं आपको सभी के यहाँ पर रिप्लाई ज़रूर दूंगा। वो कुछ कमेंट के रिप्लाई देते थे, 10-15 के कमेंट देंगे। अगर आप मेरे 1000 कमेंट भी करोगे ना तो 1000 के 1000 भी दूंगा मैं रिप्लाई। चाहे वो मेरे 50,000 कमेंट आएंगे ना तो भी 50,000 भी दूंगा। जितने भी आप स्टूडेंट हैं कमेंट कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, जो भी हो आपके मन में डाउट हो आप पूछ लेना। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल पर नए हो तो क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना उसको, सब्सक्राइब कर देना। वो लाल वाला बटन दिख रहा है ना उसको दबा देना दोस्तों, लाल वाला बटन पर क्लिक हो जाना चाहिए कैसे भी करके, उसको सब्सक्राइब करें। वीडियो को जरूर लाइक करेगा, कमेंट बॉक्स में जो भी आपके मन में डाउट हो कमेंट कर सकते हो, आप पूछ सकते हो मुझसे, मैं सभी के यहाँ पे जवाब जरूर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे BSTC का जो पेपर है उसकी आंसर की के बारे में बात करेंगे। हिंदी की आंसर की के हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। हिंदी के जो प्रश्न किस प्रकार के आए हैं, हिंदी के जो रिलेटेड प्रश्न है, बाकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। GK का कर चुका हूँ, शिक्षण अभिरुचि का कर चुका, रीजनिंग का कर चुका है, और भी अन्य वीडियो अपलोड हो चुके हैं। कट ऑफ का वीडियो भी अपलोड कर चुका है। रिजल्ट के बारे में भी आपसे बात करने वाले हैं कि रिजल्ट कब आएगा, इसका सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। सबसे पहले आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस वीडियो को शेयर करना और लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों BSTC का जो हिंदी का जो पेपर है वो आपको मैं यहाँ पे एक बताने वाला हूँ। अमृत का पर्यायवाची नहीं है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर है सलील, सलील है। असंगत चुनिए, असंगत चुनिए, तो असंगत इमा कमला पद्मा विमला, तो इसका जो आंसर है वो है इमा, इमा इसका करेक्ट आंसर है। क्षणिक का विलोम क्या होगा, क्षणिक का विलोम क्या होगा दोस्तों, तो क्षणिक का विलोम बिल्कुल शाश्वत है, जिसने शाश्वत किया है बिल्कुल ये ऑप्शन में जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है, तो आपके पूरे पूरे नंबर है दोस्तों। अगला है भिन्न प्रत्यय है लिखावट मिलावट घबराहट सजावट, तो यहाँ पे है ये तो सभी ने कर दिया है, घबराहट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अगला है द्वार और दारा युग्म है, दरवाज़ा या स्त्री, दरवाज़ा स्त्री यहाँ पे है। तरल धन युग में है, द्रव और द्रव्य बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। यण संधि का उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण जो बताइएगा दोस्तों, यण संधि का उदाहरण है प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण। दोस्तों अगर किसी प्रश्न का उत्तर यहाँ पे गलत है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा दोस्तों, और कोई प्रश्न यहाँ पर भी अगर प्रश्न भी गलत लिखा हुआ है तो आप उस प्रश्न का भी बता दीजिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि पता चल सकेगा ना किस प्रकार का प्रश्न आया था और इस प्रकार का ना आके, क्योंकि पेपर आप लोगों ने दिया है तो किस प्रकार के प्रश्न आए भी आपको पता है, ये स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे हुए प्रश्न थे, तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा ये प्रश्न है तो यण संधि का है जैसे, या फिर ये युग्म वाला है, तरल और धन वाला, या कोई सा भी प्रश्न हो तो इसके अंदर आप लिख दीजिए इस प्रकार से प्रश्न आया था और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ये वाला है, तो कमेंट बॉक्स में, ताकि साथी जो स्टूडेंट है जिनका किसी पर प्रश्न अगर गलत है तो उनको पता चल सके कि उनका प्रश्न सही है या गलत है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा दोस्तों, ये प्रश्न स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए हैं तो ये तैयार करके हमने बता दिए आपको। किस समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है, किस समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है, तत्पुरुष अव्यय द्विगु या द्वंद्व, तो तत्पुरुष समास इसका है। मनोदशा शब्द का संधि विच्छेद है, मन धन दशा, कमेंट बॉक्स में बताना इसमें कौन सी संधि है दोस्तों। स्वागत का संधि विच्छेद सुधन आगत, स्वागत, यण संधि है इसके अंदर। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के दोस्तों 8 भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। मरने की कामना या इच्छा के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है मुर्मूषा,
देखिए इसका करेक्ट आंसर है। किसी भी प्रश्न का अगर आंसर आपको गलत लगे या ऑप्शन में वो नहीं था, ऑप्शन में जो आंसर था जो बिल्कुल सही था वो आंसर भी आप कमेंट कर सकते हो। इस प्रश्न का प्रश्न लिखना दोस्तों, प्रश्न यहाँ पे बताना, जैसे इसका कोई सा भी आ गया, मरने की कामना या इच्छा के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो ये लिख के पूरा, और जिसका जो आंसर था वो क्या था ये बता देना आपको कमेंट बॉक्स के अंदर। बिल्कुल सही है दोस्तों, ताकि आपकी जो साथी स्टूडेंट हैं उनके यहाँ पे हेल्प हो सकेगी। शब्द शुद्ध है पूजनीय, पूजनीय, पूज्य और पूजनीय, तो इसमें ऑप्शन नंबर एक है पूजनीय, ये बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ये प्रश्न तो हर एग्ज़ाम में आता है, पूजनीय वाला, एक उज्ज्वल वाला, एक कवित्रीय वाला, एक आशीर्वाद वाला, ये शब्द तो एग्जामिनर के जो है यहाँ पे फेवरेट है, पसंदीदा शब्द है दोस्तों, ये तो यहाँ पे आते ही हैं, उज्ज्वल, पूजनीय, आशीर्वाद, कवित्री, चाहे वो BSTC हो या PTT हो या BSTC हो या फिर गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ये तो यहाँ पे फेवरेट है, तो ये आपके आजीवन यहाँ पे काम आने वाले हैं। शब्द शुद्धि तो बहुत काम आती है दोस्तों, हिंदी का पेपर बहुत ही शानदार आता है। पृथक, प्रथा, पर्त व पर्वत, शब्दकोश का क्रम क्या है, तो सबसे पहले ये आएगा पर्त, उसके बाद आएगा पर्वत, फिर उसके बाद आएगा प्रथा, फिर उसका आएगा पृथक, तो पहले ये आएगा, फिर इसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये बिल्कुल सही है। कोलू का बेल होना मुहावरे का क्या अर्थ है, बहुत परिश्रम करना, बहुत परिश्रम करने वाला, दिन रात परिश्रम करना, अत्यधिक मेहनत करने वाला, कठिन परिश्रम करने वाला, खूब परिश्रमी, तो इनमें से ऑप्शन है वो ऐसा कुछ आया होगा ऑप्शन, ये बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। अन्ना को कन्न कटना मुहावरे का अर्थ है, ऐसा कुछ करके प्रश्न आया है, तो बनी बात को बिगाड़ देना, बनी बात को बिगाड़ देना, नाथ न पीछे, वगा का मुरा, वगा का मुहावरा का भाव अर्थ है, लोकोक्ति का अर्थ है, जब किसी व्यक्ति पर किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं होती वह पूर्णतया अनियंत्रित होता है, ये ऐसे कुछ करके इसका आंसर है। सु उपसर्ग किसमें नहीं है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन था सुरेश, सुनार, ऐसे कुछ करके है, तो इसका जो आंसर है वो आप बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। कोटी और कटी, कोटी करोड़, कटी कमर, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। आर प्रत्यय किसमें नहीं है, दीवार, सहज पके सो मीठा होवे, उपयुक्त लोकोक्ति का अर्थ है, धीरे धीरे किया गया कार्य अच्छा होता है। गे किससे मिलकर बना है, तो ये है गे से गाने वाला होता है, जय या फिर ये ऐसे करके है, तो इसका ऑप्शन ये है। कुछ, कुछ और कुछ का अर्थ है, बाल स्तन और प्रस्थान करना, अनुस्वार है, गंगा में है दोस्तों अनुस्वार, बादल गरजे किंतु बारिश नहीं हुए, कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है दोस्तों। तो दोस्तों ये हिंदी के आए हुए प्रश्न थे, हिंदी के जो प्रश्न थे वो मैंने करवा दिए, रीजनिंग के मैंने करवा दिए, जीके के करवा दिए, शिक्षण अभिरुचि करवा दिए, अन्य भी यहाँ पे करवा दिए हैं। तो अब दोस्तों हम बात करें रिजल्ट की, रिजल्ट कब आएगा दोस्तों, रिजल्ट जो है इसका एक महीने के भीतर भीतर आएगा, एक महीना लगेगा, उसके बाद आपकी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो सकता है उससे पहले आ सकता है, उसके बाद आपकी काउंसलिंग चलेगी, काउंसलिंग में भी आपका एक महीना पूरा लगेगा, तो उसके बाद फर्स्ट सेकंड लिस्ट आएगी, सारी जो पूरी अपडेट होगी। इस बार सेशन जो है यहाँ पर लेट होगा दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम भी लेट हुआ है, तो सेशन भी यहाँ पर लेट होगा, कॉलेज की स्टडी भी लेट होगी, तो यहाँ पे लंबा प्रोसेस यहाँ पे चलेगा। जो आपको सारी जानकारी है वो आपको A to Z हमारे चैनल पर मिलेगी। कट ऑफ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, कट ऑफ की क्या रहने वाली है दोस्तों, कट ऑफ का वीडियो मैंने बना दिया है, क्या कट ऑफ रहेगी, कैटेगरी वाइज फर्स्ट चॉइस कितने नंबर वालों को मिलेगी, कम नंबर है तो कॉलेज कैसे मिलेगा, इसके लिए भी आपको अगर मन में कोई भी डाउट हो तो वह भी आप पूछ सकते हो। जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो कम नंबर वालों को कॉलेज कैसे मिलेगी, क्या करना है उनको, सारे उपाय जो है मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे उससे मोटिवेशन मिलता है। जल्दी से जल्दी इनको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना दोस्तों, धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है, राजस्थान BSTC एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे हम। BSTC का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है, इसकी क्या कट ऑफ रहेगी, इसकी एक अनुमानित कट ऑफ जो है हमारे द्वारा तैयार की गई है उसके बारे में आपसे चर्चा करने हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों राजस्थान BSTC का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे हो चुका है। पेपर किस प्रकार का रहा, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम, इसके बारे में आपसे बात करेंगे। दोस्तों पेपर का लेवल बहुत ही शानदार था। BSTC की जो कट ऑफ है वो हमेशा ही ज़्यादा रहती है। BSTC का जो एग्ज़ाम है यहाँ पे बहुत ही अच्छा पेपर आता है इसका। तो आपका एग्ज़ाम किस प्रकार का रहा, आपका पेपर किस कैसा रहा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों कौन सा पेपर आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगा उसके बारे में आप बात करें, कौन सा पोर्शन आपको GK का हार्ड लगा है, चाहे हिंदी का लगा, इंग्लिश का, कौन सा आपको हार्ड लगा, ये आप पोर्शन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों किस प्रकार का पेपर रहा, दोस्तों पेपर का लेवल बहुत ही यहाँ पे शानदार था। पेपर का लेवल जो है यहाँ पे शानदार था, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं BSTC के अंदर, बहुत ही शानदार ये पेपर था। आपका पेपर कैसा हुआ है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अच्छा हुआ तो अच्छा, बुरा हुआ तो बुरा। दोस्तों आप सभी अपने अपने विचार यहाँ पे बता सकते हैं। दोस्तों किस प्रकार क्या कट ऑफ रहेगी, दोस्तों BSTC की जो कोई ऑफिशियल यहाँ पे कट ऑफ नहीं आती है, एक अनुमानित कट ऑफ है। अलग अलग यूट्यूबर अपनी तरफ से कट ऑफ यहाँ पे बताते हैं, हम भी आपको कट ऑफ बताएंगे। BSTC रिलेटेड जो भी है आपको यहाँ पे कब कॉलेज मिलेंगे, कितने नंबर पे कॉलेज मिलेगा आपको, जो भी आपको डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जो कट ऑफ बताने वाले हैं वो एक अनुमानित कट ऑफ है। दोस्तों हमारे द्वारा तैयार की गई कट ऑफ है, अलग अलग यूट्यूबर अपने द्वारा कट ऑफ है यहाँ पे बताते हैं, कोई ज़्यादा बताता है तो कम बताता है, तो किसी की कट ऑफ यहाँ पे मिलती जुलती निकल जाती है तो किसी की कम ज़्यादा रह जाती है। तो दोस्तों ऐसे ही कट ऑफ है हम यहाँ पे तैयार किए हैं अलग अलग कैटेगरी के द्वारा, राजस्थान BSTC एक्सपेक्टेड कट ऑफ। दोस्तों ये एक अनुमानित कट ऑफ है, 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है BSTC का, उसकी जो अनुमानित कट ऑफ है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ बताने वाला हूँ किस प्रकार यहाँ पे कट ऑफ रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जर्नल की जो कट ऑफ है ये एक अनुमानित कट ऑफ है। दोस्तों जर्नल की जो कट ऑफ है अनुमानित है 429 से 440 मार्क्स, 429 से 440 मार्क्स ये है जर्नल की कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है। टॉप कैटेगरी की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, जिनको यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट चॉइस यहाँ पे मिल जाएगी उस हिसाब से ये कट ऑफ है। दोस्तों कॉलेज की बात करें बाकी कम ज़्यादा भी रह सकती है यहाँ पे कट ऑफ, ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है। आप कहेंगे कि सर पिछले साल कितनी रही, दोस्तों पिछले साल से कोई मतलब नहीं है, पेपर का लेवल और जो अनुमानित जो कट ऑफ होती है वो हर साल यहाँ पे बढ़ती है, कभी कम हो जाती है तो कभी ज़्यादा होती है, कट ऑफ में अंतर आता है। तो पिछले साल की कट ऑफ का यहाँ पे बात नहीं है, मैं जो ये कट ऑफ बता रहा हूँ ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है। दोस्तों सर कहेंगे सर ये इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती, ये इतनी कम नहीं हो सकती, पेपर ऐसा था वैसा था, ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों एक अनुमानित कट ऑफ है यहाँ पे, ये कट ऑफ जिस हिसाब से बताइए मैंने, फर्स्ट लिस्ट के अंदर आपको फर्स्ट चॉइस मिल जाए उसके अंदर बताइए मैंने कट ऑफ, कम नंबर पे मिल जाएगी। दोस्तों आपको उसके लिए थोड़ा उपाय करना पड़ेगा, वो आपको मैं बताऊँगा बाद में, किस प्रकार आपको कॉलेज मिलेगा किस प्रकार नहीं, आपको क्या करना है इसके बारे में आपसे बात करेंगे। महिला कैंडिडेट 410 से 420 जनरल के अंदर बात करें, इसके अलावा SC के अंदर 400 से 412 SC महिला है उनकी है 370 से 381, ठीक है दोस्तों। OBC की बात करें 409 से 411, OBC की बात करें 409 से 411, OBC फीमेल 385 से 390, ठीक है दोस्तों। इसके बाद करें ST की बात करें हम, ST की कट ऑफ ST की 370 से 380, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ST महिला की बात करें 309 से 310, MBC की बात करें 375 से 380, महिला की बात करें 360 प्लस मार्क्स जिनके हैं उनको यहाँ पे कॉलेज मिल जाएगा। अब हम बात करें EWS की बात करें 400 से 410, ठीक है दोस्तों। महिला की बात करें 375 से 380,
ये एक अनुमानित कट ऑफ है दोस्तों, ये यहाँ पे फाइनल कट ऑफ यहाँ पे नहीं है, ये ओनली क्या है अनुमानित कट ऑफ है। इतने नंबर पे आपको फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी, इसके बारे में ये एक कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ यहाँ पे जो है ऑफिशियल कट ऑफ यहाँ पे जारी नहीं होती, एक अनुमानित कट ऑफ है। जैसे किसी का हो जाता है कि दोस्तों जैसे किसी के 390 के अंदर फर्स्ट चॉइस मिल जाती है, 390 के अंदर फर्स्ट चॉइस मिल जाती है, इसके बारे में बात करें 300 जो है नंबर के अंदर फर्स्ट चॉइस मिल जाती है। सभी की कट ऑफ यहाँ पे अलग अलग रहती है, जनरल की अलग रहती है, एससी की एसटी की अलग रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले आप बताएंगे हमारे को, जिन जिनको यहाँ पे कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम, नाम तो छोड़ो खैर, आप तो ये बताना कि आप किस कैटेगरी से, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, कौन सी कैटेगरी की हो वो कैटेगरी आप बताना, और कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं वो आप ही मेरे को बताना है कि सर मैं इस कैटेगरी के से हूँ और मेरे इतने मार्क्स हैं और क्या कहते हैं क्या मुझे कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा जो भी आपको मन में डाउट है वो आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं सभी को यहाँ पर रिप्लाई दूंगा। दोस्तों यहाँ पर आपको कब कॉलेज कब मिलेंगे, कॉलेज कब से मिलना स्टार्ट हो गया है, काउंसलिंग प्रक्रिया वो कब से शुरू होगी, क्या कट ऑफ रहेगी, इसके बारे में बात करें। कट ऑफ के बारे में ये अनुमानित वीडियो बनाया है, और भी अगर कट ऑफ में थोड़ा उलट फेर होता है तो आपका एक और वीडियो बना दिया जाएगा कट ऑफ का, लेकिन ये एक अनुमानित कट ऑफ है, अलग अलग यूट्यूबर के द्वारा बनाई जाती है दोस्तों, अलग अलग कट ऑफ बता दी, किसी की कट ऑफ यहाँ पर मिल जाती है तो किसी की नहीं मिलती, ये एक अनुमानित कट ऑफ है। यहाँ पे फर्स्ट चॉइस मिलने के हिसाब से मैंने कट ऑफ बताई कि फर्स्ट चॉइस आपको इतने नंबर पर मिल जाएगी, वैसे कम ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं यहाँ पे कि सर आपने ज़्यादा कट ऑफ बता दी, सर आपने कम कट ऑफ बता दी, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये एक अनुमानित कट ऑफ है, सबकी अलग अलग होती है, यहाँ पे किसी का नहीं होता है कट ऑफ, यहाँ पे आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा दोस्तों, मार्क्स और कैटेगरी के अकॉर्डिंग कॉलेज मिलेगा। कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कब कॉलेज अलॉट होंगे, कम नंबर है तो क्या करें, सारी जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, जो भी आपके मन में डाउट हो वह आप यहाँ पे पूछ सकते हो, जो भी आपके मन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना, मैंने सभी को रिप्लाई दिए हैं। बीएड वाले से भी देख लेना, आप बीएड के वीडियो उठा के देख लेना, मैंने बीएड वालों के जो भी बीटीटी का एग्ज़ाम होता है उनकी काउंसलिंग के यहाँ पे सभी को यहाँ पे रिप्लाई किए हैं कट ऑफ के अंदर कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं तो मेरे को कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा, जो भी है आपको सभी आपके लिए जो है आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा, जो भी है आप जानकारी लेना चाहते हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो मार्क्स से रिलेटेड हो, चाहे कोई सा भी कि मेरे को कितने कॉलेज भरने चाहिए, मेरे को कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, किस प्रकार आपको करना है, जो भी है आप मुझसे पूछ सकते हो कि कितने नंबर है तो सर मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा क्या दोस्तों बीएसटीसी के अंदर। तो आप ये एक अनुमानित कट ऑफ है जनरल की, मैंने यहाँ पे बता दी है 410 से 420, ये महिला की है दोस्तों, मेल कैंडिडेट के ऊपर है 429 से 440, एससी की है 400 से 412, एससी महिला की है 370 से 381, ओबीसी की है 409 से 411, इसके अलावा अदर बैकवर्ड क्लास की है वो ओबीसी फीमेल की 385 से 390, एसटी पुरुष की है 370 से 380, और महिला की है 309 से 310, एमबीसी 375 से 380, एमबीसी फीमेल 360 से 360 प्लस, ईडब्ल्यूएस की है 400 से 410, ईडब्ल्यूएस महिला की 375 से 380। तो दोस्तों ये एक अनुमानित कट ऑफ है जो हमारे द्वारा तैयार की गई है, आपको मैंने बता दी है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, चैनल पर नए हो तो चैनल से को जरूर सब्सक्राइब करना, आपको बीएसटीसी या अन्य किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, नए वैकेंसी की आप तैयारी करो, किसी की आपके बाद में तैयारी करोगे उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर करना, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको कितने भी कमेंट आ जाए मैं सभी के रिप्लाई दूंगा, कोई सा भी अगर आप 10 बार भी पूछोगे तो 10 बार भी यहाँ पर जवाब दूंगा, हो सकता है अगर किसी के कमेंट का रिप्लाई अगर देख नहीं सकता तो आप लेटेस्ट कमेंट कर सकते हो दोस्तों, न्यू कमेंट कर देना आपको वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद।